जीवन में सभी अहम छोड़ दो, मैं ऑफिसर हूँ, मैं वेद पंडित हूँ, मैं वो हूँ ये हूँ, सारी अभिमान को छोड़ दो, मैं एक बालक हूँ, नन्हा मुन्ना सा प्रभु, आप मेरे माता पिता है, आप मेरे गुरु है, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपको पूर्ण हृदय से माँ कहकर पुकार रहा हूँ, जैसे माँ अपने बच्चों को, बच्चा अपने माँ को पुकारता है, वैसे मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरे हृदय में और मेरे रक्त के कण कण बिंदु में स्थापित हो जाओ प्रभु, ताकि मेरे शरीर में कोई और ना प्रवेश कर दिया जाए। आपने बहुत बार देखा होगा ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ, ऐसी जगह ही मैं मेरा सर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, या तो फिर बाद में मेरे माता पिता और गुरु, बाकी जगह मैं सर नहीं झुकाता। क्यों? एक बार गुरुजी ने मुझे दीक्षा देते हुए कहा था कि जोशी, मैं आज तेरे हृदय में मैं स्थापित हो रहा हूँ, और एक बार कहा था कि तेरे ललाट में गुरु स्थापन कर रहा हूँ। कभी कभी उदय महाराज यज्ञ होते समय क्या कहते हैं कि तुम इस मध्य वो मध्य की उंगली से यज्ञ का भस्म लगा लो, या कहते हैं ललाट पर लगा लो, यहाँ लगा लो, मैं इस उंगली से लगाता हूँ, जो देवताओं की उंगली लगाई जाती है उससे कभी भी चंदन या भस्म यज्ञ का भस्म लगाता हूँ। उसका कारण केवल यही है कि गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे ललाट में मैं स्थापित हूँ, मैं मेरा ललाट किसके सामने झुकने नहीं देता और न झुकाता किसी के सामने भी, कोई महाराज कितना बड़ा पंडित हो, आचार्य हो, किसके सामने, या तो ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ हो वहाँ, या मेरे माँ माता पिता या गुरु, इसके सिवा मेरे माता कहीं झुकाता नहीं, क्योंकि वो मेरे, मैं समझता हूँ कि मेरे गुरु का अपमान है। और इसके लिए तो अपने में सामर्थ्य भी चाहिए कि नहीं झुकाता है तो आजकल कोई आदमी ऐसा भी मिल जाता है डंडा मारता है तो झुका देते हैं, सर ऐसा नहीं, हम ऐसा कार्य ही नहीं करेंगे कि हमेशा झुकाना पड़े। फिर भी आपको कह रहा हूँ कि हम तुम्हारे रक्त के कंकड़ में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की स्थापना का एक मंत्र है जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने दिया था, वो मंत्र मेरे साथ आप 5 बार उच्चारण करेंगे और फूल को अपने हृदय पर लगा लेंगे। गलती से भी इस फूल को नीचे पाँव के नीचे और हृदय के नीचे न रखते हुए आप आपके घर तक ले जाएंगे और इसे पूजा स्थान में रखेंगे, तब तक आपके, आपका गुरु आपके हृदय के साथ घर में रहेगा और आपके रक्त के कणकण में गुरु रहेंगे। ये मंत्र नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे रहा हूँ, इस सिद्धाश्रम से आया हुआ मंत्र जो गुरुजी ने स्वयं दिया था वही मंत्र मैं आज दोहरा रहा हूँ। मेरे साथ गुरु अपने पुष्प को हृदय पर रखकर मेरे साथ उस मंत्र को बोलो, ओम ओम ह्रीम 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 मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम 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 ह्रीम 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 मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम 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 ह्रीम 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 मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम 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 ह्रीम 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 मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम 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 ह्रीम 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 मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम 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 ह्रीम 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 मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम 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 ह्रीम ह्रीम मम मम रक्तबिंदु रक्तबिंदु हृदयस्थ हृदयस्थ गुरु गुरु स्थापितम स्थापितम ह्रीम 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 ओम ओम। मैं यह मेरे जीवन का अभिनव एक अनुभव बताता हूँ। मैं नई नई गुरु दीक्षा लिया था और मेरे साथ कुछ जैसे आप लोग लेके आते हैं साधकों को, वैसे एक कौराष्ट्र के महाराष्ट्र हनुमंत राव उनको भी ले गया था और उनकी बेटी को भी ले गया था। बेटी बहुत बीमार थी, गुरु जी को दीक्षा देना था और गुरु ने दीक्षा दिया, उस समय गुरु जी ने यही मंत्र बोलते हुए दीक्षा दी थी। बाद में क्या हुआ, वो बच्ची बीमार थी और बच्ची को ऑपरेशन करना था अपोलो हॉस्पिटल में, उसका हृदय में होल था या कुछ था करना था, तो गुरु जी से आज्ञा ली, गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी इसका ऑपरेशन करना है, तो गुरु जी ने कहा ठीक है करवा दो।
देखेंगे जो जो भी होता है, क्योंकि जो गुरु होते हैं आई होप बोलते हैं लेकिन कभी आश्वासन देते हुए बात नहीं करते हैं। जैसा कृष्ण ने कहा था कि मैं ये नहीं रक्षा करना है उनके दिल में रहता है, लेकिन ये बात नहीं कहते मैं तेरी रक्षा करूंगा। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो आश्वस्त हो जाता है काम नहीं करता। मैं बहुत बार आपको बताया इसके पीछे क्या राज। कोई बच्चा आता है, गुरु जी मैं IAS परीक्षा दे रहा हूँ, पास होता हूँ ना, समझो मैं बोल दिया अरे तू तो पास हो गया नंबर वन, वो पढ़ना वो छोड़ दिया भूल जाता बस इतना पास होता है पढ़ना देना मेरे को फिर से पास होने वाले गलती से बुला रहे नहीं रहे जो पास नहीं होता उसे वो नहीं था चलो गुरु जी बोले लिया पढ़ना ही बंद कर देता हूँ बोलना भी खत्म है नहीं पढ़ना। समझो किसी को बोला कि तेरा व्यापार अच्छा चलता है तो बेस्ट है तू लगा ले व्यापार चलता है तेरा बोल लिया तो जाके कॉम्प्रोमाइज करके मेरा व्यापार चलता वो नहीं आएगा काम नहीं करता। अब नहीं बोला तो व्यापार नहीं करता, मैं व्यापार ही नहीं करता, मेरे गुरु जी बोले व्यापार नहीं चलता। ऐसा नहीं, कर्म करने के लिए गुरु प्रेरित करता है और कर्म के लिए उसका कार्य होता है। तो उसी तरह उस हनुमान राम की बेटी को होल था और उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए, ऑपरेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन इसके उसके टेबल पर रखे हैं। ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ का बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और क्या गलती से उसमें उसके शरीर से रक्त बह रहा था और रक्त थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। परेशान हो गए सब लोग कि और डॉक्टर ने कहा कि अगर रक्त रुकता है तो बच्ची बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। अब वो जो हनुमंत राव जो थे उनके बच्ची के नाना वो मेरे पास आए, गुरु जी डॉक्टर ने तो ये बात कही दी है कि रक्त बह रहा है, अगर रक्त नहीं रुका तो बच्ची मर जाएगी। मुझे याद आया कि गुरु जी ने रक्त बिंदु का कणकण का ये दीक्षा दी है और मंत्र भी दिया है, प्रभु अगर ये बात सच है कि आपके उसके रक्त बिंदु में है तो आप उसको बचाएंगे और आप जहाँ से आ रहे हैं उसको जितना चाहिए वहाँ रोक देंगे। ऐसा ही मन में प्रार्थना करके फिर डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर सिर्फ एक बात बोल के अंदर गया और रक्त रुक गया, रक्त रुक गया और बच्ची बच्ची और रिसेंटली बात है अपने पास कभी भी आते हैं आपको पता है अशोक अनुराधा उनके आते हैं जो आश्रम में भी बहुत दिन तक थे और अशोक का ऑपरेशन था, हार्ट का ऑपरेशन था, बाईपास सर्जरी। अब वो लोग बहुत दिन सेवा भी करते अपने साथ था, डॉक्टर ऑपरेशन आरंभ कर दिया, सेम उनके उनका भी रक्त प्रवाह हो रहा था, बचरा नहीं, बच्चे फोन अनुराधा फोन अब कैसा एक घंटे घंटे को फोन चल रहा था, बहुत शायद यहाँ लोग भी होंगे उनका क्या हो रहा था और गुरु जी रक्त प्रवाह, डॉक्टर बोल रहे कोई मिरेकल ही होना गुरु बचने के लिए, ये रक्त नहीं रुक रहा है, रक्त रुका तो ही बच जाएगा नहीं तो। अब वो लोगों का किसी को भी रहता है बार बार गुरु को ही फोन करेंगे, अब गुरु क्या करेंगे। तब मैंने यही मंत्र बोलते हैं प्रभु उसके रक्त में पहुंच जाओ और उसको जो चाहिए उस रक्त को थाम दो। आज उदाहरण है वो अशोक जिंदा है और ऑपरेशन रुका, डॉक्टर ने कहा कि क्या मिरेकल है। इस प्रकार आपका गलती से भी रक्त बिंदु कहा गया, रक्त बिंदु कहीं बह गया तो याद रखना वहां गुरु फिर पैदा हो जाएंगे, एक नया गुरु पैदा होगा। आपका रक्त खाली नहीं जाएगा, आपके रक्त के कणकण में गुरु है। इस भावना को रखते हुए मैं आज आशीर्वाद, ये मंत्र नहीं देना चाहिए फिर भी आपके प्रेम के कारण दिया हूँ, शायद गुरु जी गुस्सा भी करे तो उनकी चरणों में माफी मांग लेता हूँ। गुरु जी आप ही दिए हैं, देने वाले आप है, आप ऑर्डरदारी हैं, भोलेनाथ है आप, मैं दे रहा हूँ और आप स्वीकार करें उनके इनके रक्त के कण कण में आप स्थापित हो जाए। ये मैं ऐसा ही आशीर्वाद मांगता हुआ यहाँ इस शिविर के इस चरण को यहाँ समाप्त करता हूँ। लेकिन इससे पहले आप रुद्रचंडी हवन को जो लोग किए हैं रुद्रचंडी हवन के लिए जाए, रुद्रचंडी हवन करीब पूर्णाहुति मैं देता हूँ और आप सभी को जाने वाले हैं और हमारी बिहार की बहन है उन्होंने यंत्र चाहिए उनको यंत्र दे देता हूँ और किसी को कोई यंत्र वगैरह लेना है तो मुझे बात करके मैं यहाँ बैठा हूँ। रुद्रचंड हवन के लिए शेषो महाराज मधुसूदन और उदय महाराज वहाँ जाएँ, रुद्रचंडी का हवन एक पार्ट रुद्रचंडी का और एक लघुसप्तशती का पाठ करके आओ, सब लोग आहुति डालने का पूर्णाहुति देने के लिए मैं आऊँगा। वहाँ सामग्री दी गई है, आप सब लोग जो रुद्रचंडी किए हैं आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, माता को प्रार्थना करो कि आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो। फिर एक बार आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, गुरु जी का जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गुरु गुरुदेव की जय, स्व सिद्धाश्रम की जय, स्व सिद्धाश्रम साहिब परिवार की जय, बोलो हर हर बोलो तारा मैया की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो जय श्री राम जय श्री राम, जय बजरंग बली जय बजरंग बली, बोलो साईनाथ संत महाराज की जय, भगवान की जय, बोलो सब शक्तों सब संतों की जय, सतगुरु भगवान की जय। आपका हवन
मंडाली की गुरु आरती होगी, समर्पण स्तुति होगी।